चलिए गुरुग्राम से आपको जानकारी देते हैं, जहां पर मालगाड़ी ट्रैक से पलटी है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। मारुति और की गाड़ियों को लोड कर रही थी ट्रेन और इस दौरान मालगाड़ी जो है ट्रैक से ही पलट गई है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें, ये बड़ा हादसा आपको जानकारी दे दें, जहां पर मालगाड़ी ट्रैक से पलटी है। सामान लोड करते समय यह हादसा हुआ है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक से ही पलट गई मालगाड़ी। मारुति की गाड़ियों को लोड कर खड़ी थी ट्रेन। तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम से, जहां पर मालगाड़ी ट्रैक से ही पलट गई है। इस तरीके की यह हादसा देखने को मिला है गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास। हनु संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हनु, जानकारी दीजिए, मालगाड़ी ट्रैक से पलटी है, तस्वीर भी हमारे सामने है, किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कारण सामने आया है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये रात के 1:30 बजे की घटना है। एक मारुति की जो ये गाड़ियां लोड करने वाली ट्रेन होती है वो खड़ी हुई थी, उसमें पीछे से आई राजधानी ट्रेन में टक्कर हुई, जिसके वजह से जो है बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि जो ट्रेन के जो डब्बे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो ट्रेन के डब्बे थे वो पटरी से उतर गए। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा उतर गया। इसमें जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक बचता नजर आ रहा है, वो इस जवाब नहीं दे रहा था कि किस हादसा किस वजह से हुआ, किस तरह से इस हादसे को, एक तरह से जो हादसा हुआ उसमें किस तरह की कोताही बरती गई है, क्योंकि एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं गुरुग्राम में होता हुआ बच गया। और आपको बता दूं कि इस तरह के हादसे पहले भी जो है गुरुग्राम से जो बीच में और बाकी ट्रैक पड़ते हैं उन पर भी इस तरह के हादसे काफी बार हुए हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा सवाल या निशान जो है अधिकारियों पे खड़ा होता है, रेलवे प्रशासन पे खड़ा होता है कि गुरुग्राम के रेलवे प्रशासन ऐसी जो बड़ी लापरवाही ऐसे बचते क्यों नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हनु अभी तक प्रथम दृष्टया अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और किसी तरह का नुकसान भी हुआ है क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो ये डब्बे पटरी से उतर गए हैं नुकसान तो काफी खासा हुआ है। इसमें जो जो गाड़ियां मारुति की जो बताई जा रही थी, गाड़ियां अपलोड होती है जिनमें पीछे से आगे जो टक्कर लगी, जब वो उतर गए तो उनमें कहीं ना कहीं गाड़ियों में जो अंदर गाड़ियां थी उनमें कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ होगा। पर अगर अधिकारियों की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए या रेलवे अधिकारियों की तरफ से कोई बयानबाजी की बात की जाए, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं दी गई है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस बात पे हम कोई आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उच्च अधिकारी ही इस पर कोई बयान दे सकते हैं, हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ दिया। पर वहां पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी और गुरुग्राम पुलिस टीम सभी वहां पर मौजूद थे, रेलवे के भी अधिकारी वहां मौजूद थे, और उसको जितनी भी जो नुकसान हुआ उसको ठीक किया जा रहा था। आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो सूचना मिली है उससे जो पटरी ट्रेन से उतर गई थी उनको वापस ट्रैक पे ला दिया गया है, और उसके बाद अब आगे की उनपे वो कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसको देखा जा रहा है, और कहीं आगे दोबारा से इस तरह की गलती ना हो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, और आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये गलती किस वजह से हुई है उनको भी अब ये पूरी एक टीम बनाई गई है, इस पर एक टीम गठित की गई है कि अगर ये गलती इस तरह से हुई है तो वो क्यों हुई है, तो जो भी इसमें सम्मिलित होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, आपका बहुत धन्यवाद हनु तमाम जानकारी के लिए।